ठीक हो ना तुम? देखिए अरे नहीं नहीं, आप मां जैसी आप क्यों अपनी दो, माँ कह रही हो तो माँ को देख पे तो दो कि पाँव में क्या लगा है। हाँ ला। पानी ला जल्दी। अरे भाई पानी लाओ जल्दी। लाते हैं लाते हैं। ये लो पानी। कहां से लेकर आई थी आलता? अब और कहां से लाएंगे, शहर से तो मंगवाया था। अब देखो कहां जमाना आ गया है, आलते में भी मिलावट। जीजी हम हल्दी का लेप लेके आते हैं। दूसरा पैर देखने दो। ठीक हो जाएगा बेटी। ये लो बड़की जीजा हल्दी ला ला। ये लो दूसरा पैर दे दो। देखना इससे है ना एक दो दिन में घाव भर जाएंगे। आपने इतने प्यार से लगाया मैया, दो दिन क्या एक दिन में ही ठीक हो जाएगा। बड़की जीजा हमने है ना दुल्हनिया का कमरा बहुत बढ़िया तरीके से सजा के रखा है। चलो बेटा जाओ, दोनों जाओ हाथ मुंह धो लो, कपड़े बदले कर लो। चलो हम पानी लेके आवे थे, अब वो कहा है ना कि शहर तो है नहीं कि चकरी घुमार भूल से नहा लिए। वैसे भी ये गांव में ना पानी की बहुत ही किल्लत है, तो कुएं से लेके आते हैं। हाँ हम पानी लेके आते। माफ करना मीठी, कहां बर्फ का आनंद लेने के लिए स्विट्जरलैंड जाने वाले थे और कहां ले आया मैं तुम्हें। जहाँ तुम्हारा प्यार है वही मेरे लिए स्विट्जरलैंड है। चलो चलो हो रही है, चलो जी चलो। ध्यान से लेके जाओ।
रानी जी महाराज पधारे हैं घर में। हाँ लेकिन कम से कम एक फोन तो कर सकते थे। बीटी जानते हैं कितने चिंतित होते हैं। पापा आप इतना बेचैन क्यों हो रहे हैं? किसी ने फोन नहीं किया, कम से कम विष्णु को तो फोन कर लेना चाहिए था। अरे अभी अभी शादी हुई है उनकी, फिर आने जाने की तैयारी में भूल गए होंगे। अब नहीं बताया तो क्या हुआ? यार लेकिन कम से कम एक फोन तो कर लेना चाहिए था। ये क्या बात है? अब साहब आप ठाकुरन को बोल रहे हैं, वो इचकी को सुनाई दे रहा है। पापा आप शांत हो जाइए, दोनों बच्चे हैं। अब यही तो उम्र होता है एक दूसरे में खो जाने का। हाँ बेटे वो सब तो ठीक है, लेकिन कम से कम बोले हमारी उम्र का तो ख्याल करना चाहिए। खैर चलिए, आपसे बाकी तो मन हल्का हो गया। शांतल अगर फोन नहीं आया तो हम ट्रैवल एजेंट से फोन नंबर लेकर होटल में फोन करके दोनों को डांटेंगे, और ऐसे डांटेंगे हम। जरूर डांटेगा पापा, और हमारी तरफ से भी उन दोनों को डांट देना। अब आप शांत हो जाइए, आराम कीजिए, और सारी एनर्जी बचा कर रखिए उन दोनों को डांटने के लिए। ठीक है बेटे, अगर आपको फोन आए तो हम बता दीजिएगा, और अगर हमें आएगा तो हम आपको बता देंगे। ठीक है? जरूर पापा, मैं आपको फोन कर दूंगी। रखते हैं। आप अपना ध्यान रखना। बाय। हाँ। इंतजार, अब बस उम्र भर इंतजार कीजिए पापा। रघुवेंद्र प्रताप राठौर। गुड आफ्टरनून सर। सर एमडी सर का कॉल आया था, आपको K8912 स्विट्जरलैंड की फ्लाइट की पैसेंजर लिस्ट में दो नाम जानने थे ना? नाम भी कंफर्म कर लीजिए, मीठी भारती, मीठी भारती विष्णु कश्यप। मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि इन दोनों ने स्विट्जरलैंड की फ्लाइट बोर्ड की है या नहीं। ओके सर। यस सर। सर उस दिन ये दोनों फ्लाइट में बोर्ड हुए थे। Are you sure? Yes sir, absolutely. Checking details हैं। Thank you. दोनों ने फ्लाइट बोर्ड की है। वो मीठी को लेकर स्विट्जरलैंड गया, फिर वो विष्णु बनकर मीठी से शादी क्यों की? क्या मकसद हो सकता है? हो सकता है ये भी उसकी प्लान का हिस्सा। हमारा दिल कह रहा है कि मेहती के साथ कुछ गलत होने वाला है। पापा कुछ गलत होने से पहले प्लीज आप कुछ कीजिए। हमारा फर्ज है कोशिश करना, और हम कोशिश करते रहेंगे। मीठी की किस्मत में क्या लिखा होगा? बहुत सुंदर कमरा है ये तुम्हारा कमरा है? हाँ मीठी, जब मैं यहां था तब ये कमरा मेरा ही था। फिर कुछ दिनों के लिए बहुत दूर चला गया इन सबसे, लेकिन अब ये कमरा मैया ने तुम्हारे लिए सजाया है। कैसा लगा? It's beautiful. बहुत खूबसूरत है ये कमरा। अरे वाह विष्णु, कितनी प्यारी पेंटिंग है ये तो।
आंखें कितनी उदास है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कोई सवाल हो इन आंखों में। औरत का जन्म ही ऐसा होता है। जिंदगी में इतने दुख मिले के रो रो के आंखें जल हो जावत। या फिर पत्थर हो जाते नजर। निर्भय भैया आ गया मेरा शेर। मेरी मैंने तुमसे कहा था ना मामा जी का बेटा निर्भय। अब भैया मैं मिल गया। जा मिला अपने भैया से। तब तक बहू नहा धो के कपड़े बदल देगी। जी अभी आएगी। हम पानी भिजवाते हैं। औरत का जन्म ही ऐसा होता है। जिंदगी में इतने दुख मिले के रो रो के आंखें जल हो जावत। या फिर पत्थर हो जाए नजर। अरे मासी आप क्यों लेकर आए? मुझे कह दी थी मैं। कोई बात नहीं आज बाल्टी हमने उठाई है कल तुम उठा लेना। अच्छा जाकर जल्दी से नहा लो उसके बाद खाना खा लेना। दोनों भूख के मारे बेहाल हो गए होंगे है ना। चल मैं अभी नहा कर आती हूँ। आज सेवा कर दी है रोज थोड़े ना करेंगे। सेवा के बाद कल मेवा भी खिलाएंगे। हाँ राजकुमारी जी अपने गहने खोले छोड़ गई। अब अगर ये खो जाएंगे तो कहेगी चोरी हो गए चोरी हो गए। ना बाबा ना हम नहीं करते चोरी। मैया सिखाए थे हमको। लेकिन अगर कोई अपनी चीज इस तरह लापरवाही से खुली छोड़ जाए तो उसे हिफाजत से संभाल के रखना हमारा फर्ज है। एक साथ उठा लेंगे तो इसे पता चल जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना। अब चलते हैं वरना बड़की चीचिया डांटेगी। बहुरिया के लिए खाना जो लगाना है। कैसे काम करते हो? अपहरण किया और हाथों आके उसे छुड़ा भी लिया। अरे हमारा विश्वास करो भौजाई हमारा कोनो हाथ नहीं आ इस अपहरण में। हमारे लौंडे खड़े रहे और मुड़ी आई नहीं फूलों की दुकान पे। तो फिर किसने अपहरण किया था? सफेद झूठ बोल रही हमारी जलपरी। क्या तुम झूठ बोल रहे हो? दिल पिघल गया होगा जलपरी को देखकर। भौजाई हमने कच्छू ना किया। जब जब आपसे हाथ मिलाए हैं मामला चौपट। जयराम जी की बोलो और किसको जहां से है? तो मुक्ता का अपहरण तुमने करवाया तेज के साथ मिलके। इतना नीचे गिर गई हो? आप कोई बात नहीं सुनते? मैंने पूरी बात सुन ली है तुम दोनों की उस दरवाजे पे खड़े होकर के। ऐसा है बड़े भैया कि जय मामला पति पत्नी के बीच में हम क्या करें कबाब में हड्डी बन के। हम चले सैर करने। चलत चला ये मुसाफिर दे। तुम्हें होता क्या जा रहा है?
और कितना नीचे गिरोगी तुम? हम बस तपस्या को सबक सिखाना चाहते थे। सबक? अपनी ही पोती की शादी में बाधा डालने की कोशिश की तुमने, इतना भी समझ में नहीं आया तुम्हें? क्या दुश्मनी है तपस्या से? तपस्या की वजह से इच्छा इस घर में वापस आ गई है। तुम्हें एहसान मंद होना चाहिए तपस्या का, उसकी वजह से हमारे बेटे की जिंदगी में खुशियां वापस आई हैं। और किससे हाथ मिला रही हो? उस नालायक तेज से। उसे इस घर से अगर कोई निकाल सकता है तो सिर्फ तपस्या। तपस्या की वजह से हमें अपनी पोती मिली, अच्छे घर में उसकी शादी हुई। अब उम्र का लिहाज करो और अपनी पोती के सुखी वैवाहिक जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना करो। कहां मटर गस्ती करके आए हैं बिटुआ? और ये सब कहां है? अरे बाबूजी वो, अरे आकाश, विष्णु नाम है हमार, भोले से भी आकाश ना बोलो बड़े भैया। मेरे विष्णु कहा भैया, इतने वक्त के बाद मिल रहे हो और गले मिलने में कंजूसी। अरे लहू से नहा के आए हैं, इसीलिए मिलने से कतरा रहा है। अरे कछु नहीं किए हम, वो असली वाला था, हमार नजर से नजर मिला रहा था। हम उनका मना भी किए कि भैया अखियां नीचे कर ले, लेकिन नहीं, बस चल गई गोली ना ऐसे। जैसा नाम वैसा काम। मामा जी निर्भय को कहा भाई किसी का? चलिए वो सब हो गया, अभी ऊपर अपने कमरे में जा, यही सब पहन के नई बहू के सामने जाएगा। वैसे जवाब नहीं तेरा, दुश्मन का घर में घुस के सबका दिल जीत के उड़ा लाया शिकार को, जिसकी राह बुआ बरसों से देख रही थी। मैया के लिए शाबाश, मैया के लिए इतना ना करूं तो हमारा जीवन बेकार है भैया। उस मैया के लिए जो अपने सारे आंसू पी गई, हमको बड़ा किया, इतने बरस राह देखी बदला लेने के लिए, का इतना भी नहीं करते हम। ठीक है, थोड़ी देर में मिलता हूं। बहुत गहरे जख्म हैं एकादश के दिल में, बहुत गहरे। जानत है मामा जी, वो दर्द को बचपन से देखते आ रहे मैया की आंखों में, और अब सारे जख्म भर जाएंगे मैया के। वो इच्छा की बिटिया को ले आए ना हम इस घर में, जो जो कष्ट हमारी मैया को सहना पड़ा है उस इच्छा के कारण, उसे अधिक कष्ट अब की बेटी सहेगी।